नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है साहब 15 अगस्त और देख रहे हैं चारों तरफ बड़ा चहल पहल है, हल्ला गुल्ला है। आप मेरे पीछे से भी देख रहे होंगे कुछ साउंड्स की आवाज़ आ रही है, तो लोगों ने अपने कुछ साउंड्स लगाए हुए हैं। तो चलिए, उससे पहले आपको बहुत बहुत आज़ादी की शुभकामनाएँ कि आप आज़ाद हैं, आज खुली हवा में सांस ले सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए थोड़ा सा आपको जो है आज बाहर का माहौल दिखाते हैं। देख रहे होंगे आप मेरे पीछे अपना फ्लैग जो है, देखिए क्या मस्ती से लहरा रहा है। और बच्चे आजकल पतंग उड़ा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। हमारा छोटू भी देखिए सामने वाली छत पे, आप देख रहे होंगे। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये एक्चुअली हमारी छत पे, ये नीचे आप देख रहे हैं ये नेट लगा हुआ है, तो गमलों की वजह से लगाया था। ये पौधे जो है ख़राब हो रहे थे, तो उसकी वजह से जो है ज़्यादा जहाँ स्पेस बचा नहीं, इस छत पे मैंने आने नहीं दिया जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो वहाँ सामने कुछ बच्चे और भी हैं, तो वहाँ जो है ये देख रहे हैं, वो जो येलो टी शर्ट में जो हाथ हिला रहा है वही मेरा बेटा है। छत पे आपको फ्लैग मिलेगा, ये हमारा फ्लैग हमारी छत पे लगा, देखिए वो सामने भी एक फ्लैग लगा हुआ है। यानी लगभग हर छत पे, आप किसी भी छत पे देखेंगे, सब छतों पे जो है फ्लैग लगा हुआ है। और जो एक्चुअली मैं जो आपको दिखाने लाया था, वो दिखाने लाया था ये पतंग, देखिए आप। एक दिल्ली में, एक मुझे लगता है शायद हर जगह ये चलन है कि शायद 15 अगस्त वाले दिन पतंग उड़ाने का जो एक सिलसिला है वो शायद हर जगह है। ये एक बेटा है, आपको सबको हेलो बोल रहा है। अबे पतंग तो उड़ा के दिखा यार ये तेरी पतंग दिखाने ही तो मैं आया हूँ, तू पतंग उड़ाएगा तभी तो। ये हमारे पड़ोस में छत है, कोई किराएदार है, बस उनका बेटा है छोटा, तो ये पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी उड़ानी नहीं आती है। एक वो सामने बेटा भी कैमरे को देख के हेलो बोल रहा है। तो ये सब जो है आज अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, ये कुछ चेंज भी है। और तो आप देख रहे होंगे आज़ादी किस तरीके से लोग मना रहे हैं। आप देख रहे हैं म्यूजिक सिस्टम चल रहे हैं और आप पतंगें उड़ाई जा रही हैं। पतंगों से क्या है, आप उसे एक सीख मिलती है, या ये कहें सही मायने में पतंग यानी आज़ादी का एक तरह से प्रतीक, यानी खुले आसमान में उड़ना। भाई वही तो हुआ ना कि भाई आज़ादी यानी हम आज़ाद हैं, और पतंग जैसे वो कहता है खुले आसमान में, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, उसी तरीके से। तो आज़ाद देश के आज़ाद बासिंदे, ये है आज़ादी का सही मतलब। और उसका कंपैरिजन आप एक तरह से पतंग से कर सकते हैं कि जो है किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, कोई बंदिश नहीं, लेकिन फिर भी हम एक लिमिट में हैं। और वो लिमिट क्या है, पतंग की जैसे डोरी होती है, उसके लिए हमारा संविधान बना हुआ है कि हमको जो है किसी न किसी रूप में बांध के रखा गया है। ठीक है, आप भी आज़ादी का आनंद लीजिए, और आप जिस तरीके से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं वैसे सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन एक दायरे में रह के, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक चीज़ में एक दायरा बहुत ज़रूरी होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि कई बार वो कहते हैं नाजायज़ आज़ादी का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए, और उसका लोग करते भी हैं ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज़ाद हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ गलत करें। तो आप अपनी तरीके से फैमिली के साथ वो पूरी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। और